हश्र चोला तेरा रूप दिखा लोकानों एक जात विखावज मुखड़े दी तेरा हुस्न मेरी मां पूरी उम्मत दी मां अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आप कुरान पढ़ दिए पियां सूरा यूसुफ पढ़ दिया पियां जेड़ा कुरान नु मोहब्बत नाल लेंदा उच्ची बोले सुभान अल्लाह की पढ़ दिया पियां सूरत यूसुफ ते यूसुफ दा किस्सा उस सूरत च अल्लाह ने लिखा है जदों इस आयत ते पहुंचियां जिथे लिखे होया कि मिस्र दियां औरतां ने यूसुफ नु वेख के उंगलां कट लई इस आयत ते जदों पहुंचियां तेरे मेरे मुस्तफा दी हसीन रफीक हयात मेरे तेरी मां ने फरमाया क्या फरमाया अगर हंस के फरमाया थोड़ा तबस्सुम ही फरमाया फरमाया हां ओ औरतां अगर मेरे महबूब नु वेख लेनियां ते दिल कट बंद ते फिर क्यों ना कहवा ला बशरे चो वे ढोला ते रूप दिखावा लोकानों एक झात विखावंज मुखड़े दी तड़ा हुस्न जतावा लोकानों लाबशरे चोला फिर क्यों ना कहा ए यू सफ नहीं जो बिक गए बरदा मिसर दी गलियां विच ए यूसुफ नहीं जो विक वैसी बन बरदा मिसर दी गलियां विच इत्थां जर वाले बेजर थी गए इत्थां जर वाले बेजर थी गए सच यार थोड़ा जा चोला ला के वेखना लगी दिन जदों सोना नकाब उठावेगा दिन में शरारत आएगा जदा यार नकाब उठावेगा आवेख लो जिसने रब तकना जिसने रब तकना देसा यार सदा ला बशरी चोला नहीं भाई भाई ला बशरी चोला क्यों ना जद लब अपने खोल लाए बोल दने रब बोल दे ए बोल दने नहीं नहीं
रब बोल दए हैर कुन दी जीनत लबे दे सच यार दसा